गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रनंद जी दीदी निगमानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चर्चा में आए तमाम आत्मजनों को प्रणाम करता हूँ। चिंता महादेव की दया से आपके बीच आने का सौभाग्य मिला। कोलकाता से चला आ रहा हूँ, तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर सुबह से तय किया। 8-10 दिन के कार्यक्रम में निकला था, तो ये अंतिम पड़ाव इस भ्रमण में आज का है। महादेव के गुरु स्वरूप से हमारा आपका सबका जुड़ाव हो रहा है। मैं बताता चलूं कि शेष स्थान में कोई बाबा नहीं होता है, कोई प्रवचन करता नहीं होता है, कोई स्वामी नहीं होता है। हम सभी गुरु भाई हैं और गुरु बहन। हमारे सभी के गुरु महादेव हैं। महादेव से हमारा आपका रिश्ता पुराना है। बाबा के रूप में घर घर में पूजित हैं लोग। हर लोगों को पता है कि महादेव ऐसे बाबा हैं, जब कोई उपाय व्यक्ति के जीवन में काम नहीं आता है तब अंततः वह महादेव के पास जाता है और महादेव की दया से कृपा से उसके जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक ऐसी ही एक स्थिति आज हमारे आपके जीवन में आई है। शिव शिष्यता के सूत्रधार हमारे वरिंद्र गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रनंद ने हम सबों को एक अनमोल तोहफा दिया है। महादेव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य दिया है। रास्ता जगत से महादेव तक चलने का है। बीच रास्ते में संसार का आकर्षण, माया, जगत की चीजें, धर्म, जात, संप्रदाय, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा आदि चीजों के साथ हमारे आपके तरफ से ये चीजें होती रहती हैं। इन चीजों के कारण हमारे आपके स्थिति में यह संभव हो पाता है कि जैसे हम महादेव की ओर बढ़ते हैं तो संसार हमें अपने वश में करना चाहता है, जगत हमको अपने वश में करना चाहता है। इसीलिए शिव चर्चा में महादेव के गुरु स्वरूप में जाने का मन हम लोगों को नहीं करता है। जगत में हम चले जाते हैं, यहाँ से 100-200 किलोमीटर भी जाना पड़े तो शादी विवाह आदि आदि काम में हम लोग चले जाते हैं, मगर महादेव की बात करने, महादेव से जोड़ने, महादेव से जुड़ने के लिए अगर कहा जाए तो हम लोगों के पास फुर्सत नहीं रहता है, समय नहीं रहता है। यही माया है। बड़े गुरु भाई ने तो अनमोल चीज दिया है, बड़ी तोहफा दिया है, मगर इसमें हमारे आपके द्वारा भी कुछ करना है। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक इनसे हमारा रिश्ता नहीं हो पाएगा। किसी से संबंध बनाते हैं तो उस संबंध के लिए हम आप कुछ न कुछ करते हैं, चाहे माँ का बेटा से संबंध हो, चाहे पति का पत्नी से संबंध हो, चाहे बहन का भाई से संबंध हो, तो अपने बेटे के लिए माँ कुछ न कुछ करती है, प्रेम देती है, परवाह करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसको वो अच्छा से रहे इसका चिंता करती है, तब माँ और बेटा का संबंध चलता है। महादेव को अपना गुरु बनाने चले हैं तो यहाँ भी हमको आपको कुछ करना होगा।
ऐसे कंगन बांध लेने से, घोषणा करवा लेने से हम महादेव का चेला नहीं हो पाएंगे। कुछ न कुछ करना पड़ता है, रिश्ते बनाने से नहीं होते, रिश्तों को निभाना पड़ता है। और रिश्ता निभाने के लिए जो उस रास्ते पर कर्तव्य है उसका पालन करना पड़ता है। जैसे पत्नी के रूप में कर्तव्य है कि पति का ख्याल रखे, माँ के रूप में कर्तव्य है कि बेटे का ख्याल रखे, एक गुरु भाई और गुरु बहन के रूप में कर्तव्य है कि महादेव के काम का ख्याल रखें, तभी हो पाएगा। यहाँ कोई अगरबत्ती, प्रसाद, मिश्री, हुमाद, चढ़ावा, पैसा, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके बीच में गुरु भाई लोग हैं, रूपलाल जी हैं और भी गुरु भाई हैं, जिन लोगों ने आपको समझाया भी होगा कि शिव की शिष्यता दिल का खेला है, बाहर का खेला नहीं। बाहर से हम आप कुछ भी महादेव को नहीं दे सकते, वो शरीर है ही नहीं तो लेगा क्या? शरीर रहेगा तब न खाएगा, तब न प्रसाद और पैसा और कपड़ा चढ़ेगा। आपके गांव में महादेव का मंदिर होगा, एक पत्थर रखा हुआ होगा, वही भोला बाबा है। कोई नाक मुँह कान नहीं, कोई गोड़ हाथ नहीं, वही भोला बाबा है। और देवी देवता के मंदिर हम आप जाते हैं तो वहाँ हम आप देखते हैं कि बजरंग बली शरीर में है, गदा लेके खड़ा है। कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं मंदिर में, उनकी मूर्ति है। रामचंद्र जी की मूर्ति है, लेकिन महादेव जी का कोई मूर्ति है क्या? जहाँ जाइएगा, पारसनाथ जाइए, बैजनाथ धाम जाइए, विश्वनाथ जाइए, मल्लिका अर्जुन जाइए, रामेश्वर नाथ जाइए, सोमनाथ जाइए, या आप अपने गांव के महादेव के मंदिर में जाइए, वही एक पत्थर रखा हुआ मिलेगा जिसमें कोई नाक मुँह कान नहीं। इसलिए कि वह शिव निराकार सत्ता है, मूल रूप से वो निराकार है और उसी की इच्छा यह साकार जगत है। हमारे आपके रूप में, रंग में वही बैठा है। आत्मा अगर इस शरीर से निकल जाएगी तो क्या होगा? मर जाएंगे। राम नाम सत्य है, यही हमारी तुम्हारी गत है। ये आत्मा वही शिव है, वही आत्मा के रूप में शरीर में है, पेड़ पौधे में है, जीव जंतु में है, जल में है, मिट्टी में है, अग्नि में है, वायु में है, आसमान में है, वही इस संसार के कण कण में है। और उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में किसी को पता नहीं है। बाकी लोगों के जन्म का पता है, राम जी का जन्म हुआ है, रामनवमी मनाते हैं हम लोग, लाल झंडा गाड़ते हैं घर में, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग, और हनुमान की जयंती मनाते हैं, कबीर की मनाते हैं, मोहम्मद साहब की मनाते हैं, गुरु नानक की मनाते हैं, ईसा मसीह की मनाते हैं, परंतु महादेव का कोई जन्मदिन इस धरती पर नहीं मनाया जाता है। जब जन्मेंगे तब न जन्मदिन, शरीर में आएंगे तब न जन्मदिन, शरीर में आएंगे तब न खाने पीने का भाव रहेगा, कुछ चढ़ाइएगा तो खुश हो जाएंगे। वह तो शरीर है ही नहीं, वह तो परमात्मा है, ईश्वर है। और उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम बाहर से कुछ भी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। उनको प्रसन्न करना है तो मन के रास्ते से चलना पड़ेगा। शरीर कुछ भी खाया पिया है, किसी जात का है, किसी धर्म का है, किसी रूप और रंग का है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी, सबको सन्मति दे भगवान। तो वही भगवान सब में बसा हुआ है, हर रूप रंग आकार में बसा हुआ है। उस निराकार सत्ता को हम अगर कुछ देना चाहते हैं तो अपने दिल की आवाज़ उनको तक, वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। बाहर से वो नहीं सुनते हैं, मन के अंदर दिल की आवाज़ उनको महसूस होता है। इसीलिए शिव चर्चा के पहले सूत्र में है कि अपने महादेव गुरु से दया मांगिए,
दया मांगने के लिए कहा गया है कि मन ही मन कहिए, बोल के नहीं, कंठ चला के नहीं, बाहर शब्द बोल के नहीं। मुंह बंद रहेगा, कंठ बंद रहेगा और मन ही मन ये बात चलना चाहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कर दीजिए। ये बात मन बोलेगा, शरीर नहीं बोलेगा। इसके लिए नहाना, उपवास करना या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मन से चलने की जरूरत है। और मन जब इस दिशा में चलेगा तो रिश्ता बनेगा। मुंह की आवाज़ तो बहुत दूर तक नहीं जा सकती है, परंतु मन की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आप यहाँ हैं, घर में बैठे हैं, आपका बेटा दिल्ली में रहता, मुंबई में रहता, माँ को बेटे की याद आ गई, माँ बोली कि बहुत दिन से टेलीफोन नहीं किया है, और आप याद जब करते हैं तो वहाँ बेटा को सरकता है, कोई कहता है कि तुमको कोई याद कर रहा है। ये कौन कर रहा है? मन कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा है। इसी प्रकार अगर मन महादेव को याद करेगा तो महादेव दया करेंगे। याद में महादेव आए, हम आप उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन जगत के माया में भूल गए। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा गाड़ी, मेरी दुनिया और मूंद ही आँख, कतहु कुछ नहीं। आँख बंद हुआ, न बेटा साथ में है, न पति साथ में है, न घर साथ में है, न पैसा साथ में है। तू अकेला आया रे बंदे, तू अकेला जाएगा। अब अपना यात्रा आपका हमारा अकेला का हो गया, लेकिन जब तक हम शरीर में रहते हैं तब तक हम संसार के माया से हमारा मन फंसा हुआ रहता हरदम। इसीलिए महादेव की चर्चा आपके इलाके में कमजोर है। वो तो कुछ गुरु भाई बहन हैं इस इलाके में, नंदकिशोर हैं और लोग हैं जो इस काम को करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं और महादेव की ओर ले भी चलते हैं। आपका भी काम है, जैसे आप महादेव की ओर बढ़िएगा आपका मन जगत की ओर खींच लेगा, नहीं जाएगा, वो जाने ही नहीं देगा। जगत का भाव इतना गहरा होता है, इतना गहरा है जैसे सूरज को ये बादल उगने नहीं दे रहा है, इसका रोशनी को नीचे आने नहीं दे रहा। बादल इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी को अपने में रख ले रहा है। उसी तरह इस जगत का माया इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आदमी को यहाँ से निकलने ही नहीं देता है। जब आप आंख बंद करके बैठिए महादेव को प्रणाम करने, जब आंख बंद करके बैठिए महादेव से दया मांगने, फटाक से मन भाग जाएगा जगत में। बकरिया कहाँ गया, वो कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, घर कहाँ गया, फटाक फटाक दिमाग में जगत चलने लगेगा, महादेव नहीं चलेगा। यह स्थिति हमारे आपके मन की है, और मन जब तक इन चीज़ों से मुक्त नहीं होगा तब तक वह मन महादेव का चेला नहीं होगा। मन को ही मुक्त करना है, शरीर को नहीं। शरीर तो मर ही जाएगा एक दिन, इसको तो जल ही जाना है। इसके लिए हम लोग को कोई चिंता नहीं। चिंता है कि मन में जो जगत का गंदा गंदा भाव लग गया है, जगत का जो संसार का ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, घृणा, लोभ, हिंसा, हत्या, व्याभिचार, धर्म, जात, संप्रदाय, रूप, रंग, ऊंच नीच, भेद भाव, इस तरह के कुरीतियाँ लग गई हैं। अगर इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी तो हम आप मुक्त नहीं होंगे। शरीर मरेगा, मन में जगत की भातें रह जाएगी, जगत का भाव रह जाएगा, उसके बाद क्या होगा? आत्मा भूत प्रेत की जोनी में भटकेगी। आप देखते हैं गांव गिराव में किसी को भूत पकड़ लेता है, वो कौन है? वो किसी के शरीर से निकली हुई आत्मा है, वो जाए तो कहाँ जाए? आज कहा जा रहा है कि महादेव महादेव करो तो उसको छुट्टी नहीं है। आज कह रहा है कि जाओ कुछ लोगों को महादेव से जोड़ो तो उसको कोई इस काम को करने का छुट्टी नहीं है। तो आपको छुट्टी जब नहीं है तो भटकिएगा, महादेव से नहीं सटिएगा तो जगत से सटिएगा।
और जब जगत से सटिएगा तो शरीर जब छूटेगा तो जगत के ही भाव मन में लगे रह जाएंगे और शरीर तो मर गया, अब तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। मन में रह गया मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी दुनिया, मेरा दौलत, मेरा जगत, अब यहीं भटकना होगा बिना शरीर के संसार में, कभी प्रेत की जोनी में, कभी जानवर की जोनी में, कभी पेड़ पौधे में, कभी कहीं। आत्मा सब में बराबर है, एक चींटी में भी उतनी ही आत्मा है जितनी आत्मा हमारे अंदर है, उतनी ही आत्मा पेड़ पौधे के अंदर है, उतनी ही आत्मा जगत के कण कण में है। तो ये आत्मा मनुष्य के शरीर में इसलिए आती है कि मनुष्य के शरीर में कुछ जतन करके इस माया के जाल से मुक्ति पा लेंगे, इसीलिए आदमी के शरीर में आत्मा आती है। और हम आप इसीलिए आदमी के शरीर में आए हैं, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को महादेव मिल गए हैं गुरु के रूप में। महादेव का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, उस ईश्वर की इच्छा से ही इस धरती पर कोई राम जन्म लेते हैं, कोई कृष्ण जन्म लेते हैं, कोई ईसा मसीह जन्म लेते हैं, कोई मोहम्मद साहब जन्म लेते हैं। ये धरती जब बनी तो उनके इच्छा से ही इस संसार में शरीर में लोग आते रहे और जगत से जाते। तो ये शरीर हमको आपको इसीलिए मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, बाल बच्चा, घर परिवार, तो ये तो जानवर भी कर लेता है, गाय भी अपना गौशाला में रहती है, वो भी खाना खाती है, वो भी बच्चा पैदा करती है, वो भी मर जाती है, गोबर करके मर जाती है। तो आदमी के रूप में हम क्यों आए? आदमी भी खाना खाएगा, बच्चा पैदा करेगा, घर मकान बनाएगा और मर जाएगा, इसके लिए तो आदमी का शरीर नहीं मिला। ये शरीर बहुत कीमती चीज है, हीरे जवाहरात भी इसके सामने बेकार हैं। इस शरीर में मन है जो काम करता है, और मन के अंदर कुछ भाव हैं जो या तो जगत की ओर ले जाते हैं या तो उसको जगत से मुक्त करते हैं। तो जगत से मुक्ति का रास्ता मिल गया है, अब इस रास्ते पर हम आप जितना चलेंगे उतना दूर पहुंचेंगे। चलना मन का है, शरीर का नहीं है। मन चेला बना है, मन रिश्ता माना है, मन बेटा मानेगा, मन पति बनाया है, मन दोस्ती करता है, मन दुश्मनी करता है, ये सारा खेला मन करता है, शरीर नहीं करता है। तो मन जो जगत के माया के महामाया के जाल में फंस गया है, इसको मुक्त करने के लिए मन ही मन महादेव से कहिए, झाड़ू देते समय, घर का काम करते समय, बाजार जाते समय, बाल बच्चों को चलाते समय, खाना बनाते समय, कि महादेव का काम हाथ से हो रहा है, खाना हाथ बना रहा है और मन महादेव से दया मांग रहा है। ऐसा रिश्ता बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठे, स्नान किए और बैठ गए आंख बंद करके और महादेव से दया मांग लिए, ऐसे दया नहीं होगा। दया एक भाव है। भाव क्या है कि हम इस जगत में फंस गए हैं, हम इस माया में फंस गए हैं, हमको यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं। तेरा नाम जब पुकारूं तो माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाऊं तो जगत याद आता है, तेरे तरफ जब मैं जाना चाहूं तो संसार अपनी ओर खींच लेता है। हे महादेव, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हमको हम करना चाहते हैं लेकिन मेरा मन संसार में दिन रात फंसा रहता है, रात में भी सोते हैं तो सपना में पैसा, नोट, गाड़ी, यही सब आता है। सुबह उठते हैं तो भाग जाते हैं धरती के चक्कर में, दिन रात संसार के चक्की में पिसा रहे हैं। कबीर ने कहा था ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ संसार में कोई साबुत नहीं बच रहा, हम पीसते जा रहे हैं जगत रूपी चक्की में, उम्र भी खत्म होते जा रहा है, मन पर जगत का भाव गहरा हो रहा है। तो दया की याचना करिएगा, याचना मतलब भीख मांगना, पता आज है कल नहीं रहे, कौन ठिकाना है इस टेम्पररी शरीर का, सांस अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, खाली अंदर जाए बाहर जाए, अंदर नहीं आवे, काम खत्म हो गया। तो महादेव हम पर दया नहीं करिएगा, हमको अपना शिष्य नहीं बना लीजिएगा, हमको हमारे मन में आपकी याद आए ऐसी दया नहीं करिएगा। यह
इस मजबूरी में दया मांग रहे हैं कि सब काम करके थक गए तब भी मेरा मन महादेव के तरफ नहीं जाता है। जब न तब बेटा पैसा, आप देखिए ना, शिव चर्चा भी करते हैं आप, बहुत लोग करते हैं, तो शिव चर्चा भी किसके लिए हो रहा? साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव चर्चा शुरू किया था कि लोगों को महादेव का चेला बनाएंगे, शिव का शिष्य बनाएंगे, लोगों का दुख थोड़ा कम हो जाएगा, महादेव को गुरु बनाएंगे तब महादेव की दया होगी, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन अब शिव चर्चा क्या हो गया? मन पर जगत का भाव गहरा हुआ, तो अब शिव चर्चा क्या हुआ? किसी का बर्थडे में शिव चर्चा हो रहा है, किसी के बेटी के शादी में शिव चर्चा हो रहा है, किसी को मकान मिल गया है तो मनौती में चर्चा हो रहा है, शिव चर्चा हो रहा है। यही हो गया, उलट गया, काम गड़बड़ हो गया। शिव चर्चा करने वाले लोग आ रहे हैं तो बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े गुरु भाई लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया खाना बनना चाहिए, फोर व्हीलर टू व्हीलर, समझते हैं ना, फोर व्हीलर बकरी को कहा जाता है और टू व्हीलर मुर्गा को कहा जाता है, तो जरा बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा, बढ़िया बढ़िया आएंगे तो उनको, अब इतने दूर से हम 400 किलोमीटर से आ रहे हैं, सुबह उठे हैं आज हम, उठते उठते नहीं है बिना 8 बजे के, चाहे बजड़ कहे नहीं पड़ जाए, लेकिन रात भर सोने नहीं दिया है, यहाँ कार्यक्रम था इसके लिए सुबह उठ के चलना पड़ा है, तो इतने दूर से आ रहे हैं तो कम से कम 5,000 रुपया उनको देना है, दीजिएगा ना, इतने दूर से आ रहे हैं तो बढ़िया फोर व्हीलर टू व्हीलर खाना बनाना है, वो गुरु भाई आ रहे हैं तो कपड़ा लत्ता देना है। शिव चर्चा को व्यापार में बदल दिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। महादेव तो बैठे हैं दया करने के लिए, अगर आपका दिल सच्चा है, आपका मन ईमानदार है, तो आज अभी यही उनकी दया आपके जीवन में उतरेगी, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, जो साहब ने दिया, जो महादेव ने दिया, उसको हम लोग इसको तोड़ दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब कोई गणेश जी बन गया, कोई कार्तिक जी बन गया, कोई महादेव जी बन गया, अब शिव चर्चा हो रहा है और उन्हीं को फूल पानी अगरबत्ती चढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अगर आप चाहते हैं कि महादेव का चेला हम बने, तो हर आदमी मुंह बंद करके रहेगा तो ये महादेव का आदमी कैसे बनेगा और महादेव का काम कैसे होगा? आप कहते हैं कि हमको क्या लेना देना है, धनबाद में जो हो रहा है फलना भैया फलना दीदी जो कर रहे हैं अपना जानेंगे, तो महादेव आएंगे जानने? आपका बेटा है तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? आपके पति हैं तो आप देखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप कहते हैं कि मेरा महादेव है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ये काम कैसे चल रहा है और महादेव ने क्या कहा है और हम क्या कर रहे हैं और महादेव की दया क्यों नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने उल्टा कर दिया है, हमारे मन ने, जो जगत के भाव से भारी है हमारा मन, वह मन हमारा इन सभी चीज़ों को उल्टा कर दिया। हम महादेव से दया मांग रहे हैं, कहा गया शिष्य होने के लिए दया मांगो, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? बेटा दे दीजिए तो चर्चा करवा देंगे, दया कर दीजिए, बेटिया का शादी करवा दीजिए तो चर्चा करवा रहे देंगे, उलट दिया, महादेव की ओर जाने नहीं दे रहा है। आप इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि सूत्र जो दिया गया है, अगर उस सूत्र में 3 सूत्र में 3.25 करिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा, 3 में 3.25 कर दीजिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा, एकदम नहीं चल पाएगा। वो जैसे कहता है वैसे ही चलिएगा, तब महादेव की दया होगी और मन में लगे विकार से मुक्ति होगी और हम सभी को मोक्ष मुक्ति और सदगति प्राप्त हो जाएगा। इसी जन्म में हम लोग निकल जाएंगे, नहीं तो ढेर पैखाना का पिल्लू, नाली का कीड़ा, कुत्ता बिलाई में जन्म लेना पड़ेगा। इन चीज़ों से बचने का तो अब रास्ता बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी ने हम लोग को दे दिया, अभी रास्ता पर तो हम ही को चलना है ना, हम चलेंगे तभी पहुँचेंगे ना। अगर हम नहीं चलेंगे और कहेंगे हम महादेव का चेला हिले हैं, हम तो घोषणा करवे भी किए हैं, तो उस दूरी को तय नहीं करेंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये दूरी आपको तय करना है, हमको आपको सबको तय करना है।
ये दूरी जगत से शिव की ओर जाने की है। रास्ता भी मिल गया है, सूत्र भी मिल गया है, करना हमको आपको पड़ेगा और इसमें किसी तरह का दिखावा नहीं करिए। महादेव किसी तरह की चीजों को नहीं चाहते। जिन्होंने ये काम शुरू किया है, मैं जानता हूँ उनको बड़ी नज़दीक से, बड़े गुरु भाई महादेव की दया, उनके पास रहना आना जाना बराबर बना रहा, मैं जानता हूँ उनको बहुत नज़दीक से। एक खिल्ली पान आज तक हरिंद्रानंद जी किसी का नहीं खाए, इतने बड़े समय इतने दिन बीता शिव चर्चा में, एक कप चाय किसी का हरिंद्रानंद जी ने नहीं पिया जब तक शरीर में रहे। और दिन रात प्रयास करते रहे कि लोग महादेव से जुड़ जाएं, लोग महादेव का चेला हो जाएं, लोगों के दिल में महादेव उतर जाए। आज भी यही प्रयास करते हैं वो। बस इसी ईमानदारी से इस रिश्ते पर चलिएगा तो आप महादेव तक पहुंच जाइएगा। उन्होंने कहा है कि तुम मुझसे मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बताए हुए बातों को अगर छोड़ दोगे तो तुम महादेव का चेला नहीं बन पाओगे। तो उनकी बताई हुई जो बातें हैं अक्षर सह, उन बातों को हमको आपको पकड़ना पड़ेगा। एक घर ढाइन भी छोड़ती है, महादेव का घर छोड़ दीजिए, बाकी जहां आपको जो करना है जैसे करना है, कमाना है खाना है व्यापार करना है करिए, लेकिन महादेव का घर छोड़ दीजिए। महादेव के घर में आप शिव चर्चा में आइए जाइए। मुझको भी रूपलाल भैया ने रात में फ़ोन किया था कि आप इतना दूर से आ रहे हैं तो कम से कम भोजन कर लीजिएगा। हम बोले कि भोजन का नाम लीजिएगा तो जीटी रोड से गाड़ी अंदर नहीं घुसेगी, भले सुबह से हमने एक अनाज नहीं खाया, रात में घर पहुंच के ही खाऊंगा, ये मेरा प्रण है, संकल्प है। एक गिलास पानी भी मैं नहीं लेता किसी के गाँव में किसी के शहर में। अपनी गाड़ी में पानी खाना है तो ठीक, नहीं है तो महादेव की दया है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और आप जाइएगा शिव चर्चा में, अब बैठ के शिव चर्चा हो रहा है, तस्मई पूड़ी और आलू दम बन रहा है, धमक रहा है, गर्दा उड़ रहा है, उधर जैसे सुगंध आया कचौड़ी छनाने का, माए बहन और कस के जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, धमक रहा है ना पूड़िया, अब तो मिलेगा ना भोजन। ये कैसा चेला है, ये कैसी शिव शिष्टता है आपकी। जब महादेव को पाने के लिए दुनिया वालों ने क्या नहीं किया था, आप किताबों को उलट के देख लीजिए, बाबा गोरक्षनाथ, मच्छेंद्रनाथ, श्रृंगी, दुर्वासा, बृहस्पति, शुक्राचार्य, ये सब शिव के शिष्य हुए हैं। मैं अभी गया था जहाँ दुर्वासा ने साधना की है और महादेव को प्रसन्न किया है। ऐसे ऐसे दुरह जंगल में बैठकर दिन रात साधना कर तब कहीं जाके महादेव प्रसन्न होते थे। और आज तो साहब हरिंद्रानंद जी ने मुफ्त में लाके दे दिया, कहा खाते पीते बैठते रहते बाल बच्चा के साथ घर परिवार में रह के सारा कर्म करते हुए तुम महादेव को अपना गुरु बना लेना। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं है, मन है कि समझता ही नहीं है। हमको महादेव को पाना है तो कुछ हमको खोना पड़ेगा ना, कुछ भूखे रहना पड़ेगा ना, कुछ कष्ट सहना पड़ेगा ना। किसी को अपना बनाने के लिए हम आप कष्ट सहते हैं कि नहीं सहते हैं। शादी होती है तो लड़का भी भूखे रहता है और लड़की भी भूखे रहती है। जब दोनों के मांग में सिंदूर पड़ जाता है, विवाह हो जाता है, तब जाके वो लोग खाना उन लोग को मिलता है। दूसरा दिन एक विवाह करने के लिए इतना कष्ट भोग रहे हैं, एक बच्चा पैदा करने के लिए माँ से पूछिए कितना कष्ट होता है, मर जाने का दर्द होता है, प्रसव पीड़ा जिसको कहते हैं, बच्चा को जन्म देने में, तब भी माँ जन्मती है कि नहीं जन्मती, कष्ट सहती है कि नहीं सहती, दुख सहती है कि नहीं सहती। तो महादेव के चेला बनने आए हैं और पिकनिक की तरह करिएगा। अभी मैं घोसा तो देखा, जितना ठेला ठेला लगा हुआ है, सब गुरु बहन चाट खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, इधर शिव चर्चा हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि महादेव के काम में आए हैं, थोड़ा अस्थिर बैठे, मन महादेव में लगाएं, महादेव से दया मांगें, महादेव से गिड़गिड़ाएं। पर हम शिव महादेव के पास बैठेंगे तो कोई फायदा हमको होगा क्या?
हम लोग साहब हरिंद्रानंद जी के पास जब बैठते थे तो कभी कभी वो 10 मिनट 15 मिनट तक मौन हो जाते थे, चुप। मानसिक रूप से आप शिव चर्चा में बैठे हैं तो आप महादेव में मने मन गिड़गिड़ाइए, मांगिए भीख उनसे कि मेरा भी उद्धार करिए, मुझको भी मुक्ति और मोक्ष दीजिए, हमारा गुरु आप होइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, हमको इस संसार के अंधकार से प्रकाश में ले चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमको प्रकाश में ले चलिए, हम पर दया करिए, तब न गुरु भाई गुरु बहन। हम लोग लाखों लाख लोगों के बीच में महादेव की बात करते हैं, साहब दीदी का आशीर्वाद है, अगर वहाँ एगो पीन गिर जाएगा तो वो आवाज़ कर जाएगा। जो पुराना गुरु बहन हो गई, गुरु भाई हो गए, एकदम चुप बैठते हैं और मन को महादेव में रखते हैं, एगो पीन गिर जाएगा वो झनक से बच जाएगा। लाखों आदमी बैठे हैं और कोई आवाज़ नहीं हो रहा है, समझिए ये महादेव के चेला लोग बैठे हुए हैं, ये महादेव से दया की भीख मांग रहे हैं। ये है शिष्य का भाव, ऐसे चलना होगा। महादेव तो सब कुछ देंगे मगर मेरा हो जाएंगे तब ना। आप रोज एक चीज मांगिएगा, एक दुख दूर होगा, दूसरा दुख खड़ा हो जाएगा, तीसरा दुख फिर दया मांग के दूर करिएगा, चौथा दुख फिर खड़ा हो जाएगा। तो दुख को मांगते खत्म, दरवाजा खोल के महादेव का दर्शन करिए, मन के अंदर जाइए, मन ही मन रिश्ता बनाइए, मन से उनको अपना मानिए और इस संबंध पर खड़ा रहिए। शिव चर्चा में मंच लगाना जरूरी है या नहीं? नहीं, मंच क्या लगाना है, चर्चा साप्ताहिकी हो रही है, आप जैसे कर रहे हैं जहाँ कर रहे हैं उस साप्ताहिकी में आप बैठिए और एक बैनर टांग दीजिए और बैठ के गुरु बहन संचालन कर लीजिए, बाकी बैठ के शिव चर्चा करिए, जैसे जिनको करना चाहिए करिए। शिव चर्चा में गुरु का फोटो रखे या नहीं? अरे बैठिए महाराज, हम बैठने हैं, आप भागल जा रहे हैं, हम ही से मिलने आए थे, आप भागे जा रहे हैं, थोड़ा देर बैठिए, क्या हो जाएगा, बस पाँच मिनट रुक जाइए, तो ये क्या है, शिव चर्चा में फोटो रखना चाहिए कि नहीं? फोटो अपने दिल में रखिए महादेव का, और बैनर लगा के रखिए, बैनर में महादेव का फोटो रहता है, अलग से फोटो रखिएगा, तो अगरबत्ती जलाना होगा, प्रसादी चढ़ाना होगा, मिश्री चढ़ाना होगा, झमेला हो जाएगा। फिर घर में फोटो है रखिए, वहाँ पूजा करिए, लेकिन शिव चर्चा में साफ सुथरा रहिए। शिव मने भगवान ईश्वर, और ईश्वर का चेला सब हो सकता है, मुसलमान भी हमारे गुरु भाई हैं, सरदार जी भी गुरु भाई हैं, तो आप अगरबत्ती प्रसाद हुमाद करिएगा तो वो सटेगा, कहेगा ये हिंदुआ वाला है, ये मेरा वाला नहीं है, तो आपका महादेव जो महेश्वर जो ईश्वर है, तो आप उनका एक आदमी को वंचित कर दिए चेला बनने से। इसलिए शिव चर्चा में कुछ नहीं रखिए, दिल में फोटो रखिए, मन में तस्वीर रखिए, याद रखिए कि मेरा महादेव है, इस दिशा में बढ़िए कि महादेव आपके हो और आपका दिल महादेव के लिए धड़के, आपका बेटा है, बेटा 50 लड़का के बीच में खेल रहा है, आप अपने बेटे को कैसे पहचान जाते हैं, फोटो लेके घूम रहे हैं कि कौन मेरा बेटवा है देख देख के, अरे आपके दिल में आपके बेटे का फोटो फिट हो गया, कब, जब मेरा बेटा हो गया, अब वो फोटो तो दिल में फिट हो गया, अब पति का फोटो तो दिल में फिट हो गया, जिसको प्रेम करते हैं उसकी तस्वीर तो आपके दिल में फिट हो जाती है, अगर महादेव से प्रेम करिएगा तो महादेव की तस्वीर भी हमारे आपके दिल में फिट हो जाएगी, और आप जहाँ रहिएगा आपका महादेव आपके साथ रहेगा। अंतिम जिज्ञासा है, अंतिम है, शिव को प्रणाम करते हैं तो शक्ति को प्रणाम क्यों नहीं? शक्ति को, शक्ति तो शिव की ही है ना, शिव को प्रणाम करेंगे तो उनको भी प्रणाम हो जाएगा, अगर माँ भगवती को अलग से प्रणाम करेंगे तो महादेव को प्रणाम नहीं होगा, लेकिन अगर महादेव को प्रणाम करेंगे तो मैया को प्रणाम हो जाएगा। साहब हरिंद्रानंद जी ने महादेव से पूछा था कि माँ भगवती को प्रणाम करने का मंत्र कौन सा होगा, महादेव ने कहा नमः शिवाय, कह रहे हो तो माँ भगवती है, शिव को प्रणाम करेंगे तो उनको कैसे होगा, माँ ने कहा हरिंद्रानंद जी से
कि तुम महादेव से प्रेम नहीं करते हो, तब तुम्हारे घर में शिव चर्चा करने वाले लोग आते हैं, पैसा तुमसे मांग के भाड़ा ले जाते हैं, घर का सारा कुछ खा जाते हैं, गंदा कर देते हैं, तुम्हारी पत्नी खाना बना के खिलाती है, इतना दुख सहते हो और तब भी तुम उनके लिए इतना कष्ट सहते हो। और सोचो, माँ भगवती तो शिव की हृदयेश्वरी है, वो तो भगवती है, शिव की हृदयेश्वरी है, उनको महादेव का काम तुम करोगे तो माँ को कितना प्रसन्न होता होना होता होगा। इसलिए महादेव को प्रणाम करेंगे तो माँ भगवती को प्रणाम स्वतः हो जाएगा, अलग से महात्मा को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप जाने के मूड में हैं, हमको भी अभी दूर जाना है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, महादेव की दया है, साहब दीदी के आशीर्वाद से जो भी बात कर सके, इन बातों में अगर आप अपने शिष्यता की यात्रा को सम्मिलित करिएगा तो महादेव आपके गुरु रहेंगे, आप महादेव के रहेंगे, महादेव की दया आपको मिलती रहेगी। इस क्षेत्र में कुछ गुरु भाई हैं जो ईमानदारी से महादेव का काम करना चाहते हैं, आप उनका साथ लीजिए, महादेव की ओर बढ़िए। गुरु बहनों से आग्रह करेंगे कि आप अपना मुंह खोलिए, साहब दीदी के बताए रास्ते पर लोगों को लेकर चलिए, किसी से मत डरिए, अगर डरना है तो महादेव से डरिए और साहब दीदी से डरिए, इसके सिवा इस धरती पर किसी से डरने की जरूरत महादेव के शिष्यों को नहीं है, यह बात समझ लीजिए और सही दिशा में काम बढ़े। साहब दीदी आशीर्वाद दे, महादेव दया करे कि हमारा मन महादेव से हटे नहीं, महादेव मेरे दिल में बस जाए, मेरा मन महादेव को अपना समझे, मुझको महादेव की याद आती रहे, महादेव का काम सुंदर चले, लोग महादेव से जुड़े। आपने मुझको बुलाया, आप लोगों ने आयोजन किया, आप सबों का आभार है और आप सबों से विनती है कि अपने महादेव का काम अपने दिल से इस रिश्ते को निभाइएगा, ताकि हरिंद्रानंद जी को प्रसन्नता हो और जब उनको खुशी होगी तो आपके जीवन में खुशियों का झोली भर दिया जाएगा, आपका जीवन सुंदर होगा। साहब दीदी आशीर्वाद दे कि हम शिव के शिष्य बने रहे, लगे रहे, जगे रहे, महादेव महादेव करते रहे, हमारा मन अगर महादेव से भटक जाए तो साहब दीदी सही रास्ते पर हमारे मन को लिए चले, हम शिष्य भाव में खड़े रहे, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी कामनाओं के साथ आइए मिलजुल कर इस अंतरिक्ष में एक संपूर्ण जागरण दिया जाए। आप सबों के चरणों में प्रणाम।